हेलो, माय नेम इज़ रणवीर सिंह दलाल और आज इस वीडियो में बात करते हैं नॉवल द इनविजिबल मैन पार्ट 3। और इसमें लिया गया है नेक्स्ट 4 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 12। सो पिछले वीडियो में, वीडियो सेकंड जो था इस नॉवल को लेकर जो बनाए गए 7 वीडियोज़ हैं, उसका सेकंड जो पार्ट था उसमें हमने 4 चैप्टर्स कवर किए थे, जिसमें चैप्टर नंबर 5 था द बर्गलरी एट द वकरेज, और चैप्टर नंबर 6 द फर्नीचर दैट वेंट मैड, चैप्टर नंबर 7 द अनवेलिंग ऑफ स्ट्रेंजर, और चैप्टर नंबर 8 इन ट्रांसिट। तो अभी तक की अगर पूरी कहानी की बात करें तो इनविजिबल मैन का आना, उनके आने से पूरे माहौल में जो सस्पिशन फैला हुआ है, सस्पेंस फैला हुआ है, उसकी आना एक मिस्टीरियस घटना लोग मान रहे हैं, अलग अलग तरह से लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं लोग, पूरे रहस्य का माहौल, और फिर धीरे धीरे लोगों का शक बढ़ते जाना, छोटी छोटी ऐसे एपिसोड, ऐसी घटनाएं जिनके जिनके होते रहने से इनविजिबल मैन जो है गिरफ्त में लोगों की आना शुरू हो जाता है, और कोई रास्ता ना देखकर पिछले वीडियो में जैसा बताया, आखिरी जो चैप्टर था, चैप्टर या 7th जो चैप्टर हमने कवर किया था अनवेलिंग ऑफ स्ट्रेंजर, उसमें कोई रास्ता ना पाकर जब लगा कि जाफ़र उनको गिरफ्तार कर ही लेंगे, तो उन्होंने बहुत वायलेंट हो गए थे और बहुत तोड़फोड़ मचाई थी, लोगों को मारा था, पटका था और भाग गए थे, तो डिसअपियर एक बार हो गए थे वो इस तरह से फिर से। तो ये अभी तक हमने जाना, तो अब हम चैप्टर नंबर 9 लेते हैं, और चैप्टर नंबर 9 का टाइटल थॉमस मार्वल। तो जैसे कि टाइटल बताता है, इसमें एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, थॉमस मार्वल। एक बिज़ार किस्म का कैरेक्टर है ये थॉमस मार्वल, यूनिक कैरेक्टर है, उसके लुक्स और बिहेवियर जो है वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जैसा वो नज़र आता है, अनटाइडी सा बिहेवियर भी उस तरह का, दाढ़ी रखता है, थोड़ा सा स्टर्डी जो है, हल्का फैट है, मोटा है, और इनका नाम है मार्वल, थॉमस मार्वल जैसे बताया, ट्रैम्प है, होमलेस है, वेंडरर है, ट्रैम्प मतलब बेघर है, घूमता रहना इधर उधर, आमदनी का कोई खास साधन नहीं है, जॉबलेस है, और टाइम इधर उधर अपना स्क्वांडर करते रहना, घूमते रहना, भटकते रहना, यही जो है इस उसकी दिनचर्या है एक तरह से। शैबी और अगली लुकिंग हैट पहने हुए हैं, और शराब पीता है, और इधर उधर घूमते रहना एमलेसली, लेजरली तरीके से, जैसे कोई काम नहीं है। तो एक बार ये ऐसे बैठा हुआ था, एक डिच, एक खाई, एक गड्ढा, उसमें पैर लटका के, और वहीं से एक रोड जा रहा था एडरडीन की तरफ, एक स्लोप बना हुआ था, वहाँ बैठा हुआ था, और अपने बूट्स सामने, बूट रखे हुए हैं दो पेयर जैसे, उनकी तरफ देख रहा है, कहीं से मिल गए होंगे, इधर से उठा लिए गए होंगे, तो उनकी तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि कौन सा पेयर मुझे सर्दियों में मेरे लिए फिट रहेगा, या कौन सा पेयर जो है वो मेरी सर्दियाँ निकल जाएंगी, ऐसा कुछ देख रहा है, बैठ रहा है, सोच रहा है, कंटम्पलेट कर रहा है अपने बूट्स को लेकर, और बूट्स के अरेंजमेंट को देखे जा रहा है। तभी एक आवाज़ उसको सुनाई देती है, लेकिन कोई नज़र नहीं आता, और उसे लगता है कि वो शराब क्योंकि पी रखी है तो ड्रंकन स्टेट में है, और कुछ विजन्स उसको नज़र आ रहे हैं, कुछ भ्रम उसको हो रहा है, ऐसा उसे लगता है कि क्या हो सकता है इसे, और आवाज़ उसको लग रहा है कि कहाँ से आ रही है, दिख कोई रहा नहीं है, और फिर उसे लगता है हर जगह से आवाज़ आ रही है, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन सा जो है, इल्यूजन सा भ्रम उसको हो रहा है, और लेकिन ये कोई ना कोई है ज़रूर जहाँ से जो है ये आवाज़ उसको सुनाई दे रही है, और कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन हो सकता है। और तभी जो है कुछ छोटे छोटे कंकड़ उसको आकर लगते हैं, अभी तक तो आवाज़ें ही आ रही थी इधर उधर से, अब वो कंकड़ आके लगते हैं, फ्लिंट्स, और जहाँ से, जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी वहीं से छोटे छोटे कंकड़ आके उसके ऊपर गिरते हैं, और उससे वो थोड़ा सा फिर और परेशान होता है, और अब उसे लगता है कि कोई ना कोई है तो जरूर, कौन परेशान कर रहा है, कौन मार रहा है। फिर आवाज़ आती है और उसे लगता है कि वो पागल तो नहीं हो गया है, आवाज़ आ रही है, बंदा कोई नज़र नहीं आ रहा, तो मार्वल को डाउट होता है कि वो क्रेजी तो नहीं हो गया है। और अब जो है इनविजिबल मैन था ये, जो उसका आगमन हो गया था, भाग के आया था
कोच एंड हॉर्सेस इनमें बहुत नुकसान पहुंचाया था, लोगों को पटका था, मारा था, और अब जो है यहाँ पहुंच गया था और कंकड़ फेंक के अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। फिर बोल के बताता है, कन्विंस करता है कि मैं इनविजिबल मैन हूँ टॉमस मार्वल को, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, और तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है हेल्प करने के अलावा। हेल्प तुम्हें करनी ही होगी, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में है, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह से थ्रेटन करता है, उसको धमकाता है, और उसे लगता है इनविजिबल मैन को कि ये सही शिकार हो सकता है, उसके काम का आदमी हो सकता है, यही वो आदमी हो सकता है जो उसको शेल्टर प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकता है, फूड प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकता है, क्लोथ्स प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकता है। तो ये सोचकर उसे लगा ये ठीक शिकार रहेगा। तो इनविजिबल मैन को लगता है कि उसने सही आदमी को चुन लिया है। उसे ये भी पता है कि ये एक आउटकास्ट किस्म का, बेघर बंजारे किस्म का आदमी है, और कुछ है नहीं इसके पास, थोड़ा लालची भी है, और कुछ पैसे का लालच भी दिया जा सकता है। तो ये सोचकर उसे लगा कि भाई हेल्प करेगा, तो उसको धमकाया भी और लालच भी दिया कि ठीक रहेगा तो हेल्प करेगा तो मेरी। और इनविजिबल मैन जो है वो हर तरह के हथकंडे अपना के, धमका के, लालच देकर उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है, और मार्वल के पास कोई ऑप्शन है नहीं उसकी बात मानने के अलावा। अब इनविजिबल मैन एक तरह से उसका बॉस बन जाता है, अपनी मन कही जो है, अपनी मर्जी वो चलाना चाहता है, और उसकी जो पिटिएबल कंडीशन है, मार्वल की जो दयनीय अवस्था है, और जो धमकियाँ उसको मिली हैं, उसके चलते वो इनविजिबल मैन की बात मानने को मजबूर हो जाता है, उसका आदेश मानने को मजबूर हो जाता है। तो ये था टॉमस मार्वल, जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, जिसका टाइटल है मिस्टर मार्वल्स विजिट्स टू आइपिंग। अब इनविजिबल मैन के कब्ज़े में आ गया टॉमस मार्वल। इनविजिबल मैन नेकेड है, हालत ख़राब है, ठंड है बहुत, और उसे लगता है कि वो मार्वल की मदद से जो है वो वापस अब जाना चाहता है, उस इन में जाना चाहता है, और वहाँ से जो है अपना सामान, अपने कपड़े और अपनी किताबें, जिनमें उसने सीक्रेट्स जो है कुछ लिखे हुए हैं, अपने एक्सपेरिमेंट की कहानी सब कुछ लिखी हुई है, तो वो वहाँ जाना चाहता है, और लगता है कि टॉमस मार्वल इस काम में उसकी हेल्प करे। तो टॉमस मार्वल को लेकर वो वहाँ जाते हैं। अच्छा, अब माहौल कैसा है आइपिंग विलेज में? स्केप्टिसिज्म का माहौल है पूरे आइपिंग गांव में, कि भाई अजीबो गरीब आदमी इस किस्म का जो था, लोग अलग अलग बातें उसके बारे में सोच रहे थे, और वो आदमी अब चला गया है, और उसको लेकर थोड़ा डर का, शक का माहौल जो है, सस्पिशन, सस्पेंस और मिस्ट्री का माहौल जो है चारों तरफ था। लेकिन धीरे धीरे लोग जो है भूलने लगे कुछ समय बाद ये घटना, और विट मंडे को सेलिब्रेट करना था, वो नज़दीक आ रहा था, तो लोग अपने सेलिब्रेशंस में खो गए थे, और लग रहा था लोगों को कि चला गया वो तो, लेकिन एक अनईजीनेस तो थी माहौल में। और लगभग एक दिन जो है, उस दिन 4 बजे के करीब जो है, एक स्ट्रेंजर की एंट्री होती है गांव में। वो अजीब लग रहा था, ये मार्वल था, टॉमस मार्वल, बेजार लग रहा था वो। कोच एंड हॉर्सेस पहुंचा, रिलक्टेंटली जो है वो, उसकी हरकतें इस तरह से थी कि शक हो सकता था, चोर जैसी हरकतें जो है वो करते हुए, इस तरह से उसकी जेस्चर, उसकी हरकतें थी। वो घुसा घर में, उसमें कोच एंड हॉर्सेस में एंटर किया, और बार में चला गया जहाँ शराब परोसी जा रही थी। और उससे पहले कोशिश करी थी पार्लर में घुसने की, लेकिन नहीं जा पाया, चुपके से जाना चाहता था, घुसना चाहता था, फिर तो बार में गया, और ऐसा लग रहा था कि कोई उसको देख ना ले, इस तरह इसकी हरकतें कर रहा था। तो वहाँ जो है उसने एक पाइप, अब उसने निकाला क्ले पाइप, और उसको भरा, और फिर स्मोकिंग वगैरह करने लगा। और अब जो है थोड़ा शराब कभी उसने जो है सेवन किया होगा, और वापस आया, स्मोकिंग कर रहा था, और उसकी हरकतें, उसकी उसके चेहरे से जो ग्लांसेस वगैरह हैं, जिस तरह से वो इधर उधर देख रहा था, ऐसा लग रहा था, कोशिश तो करी थी उसने कि कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा शराब या स्मोकिंग वगैरह करके, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आया नहीं। अब वो थोड़ा गायब हो गया, उधर जो आंगन सा था, यार्ड था इधर उधर, और कुछ समय के बाद वो फिर नज़र आया, और इस बार जो है उसका हैट जो है थोड़ा सा खिसका हुआ था, और उसने एक बंडल ले रखा था, टेबल क्लॉथ का एक बंडल बनाया हुआ था एक हाथ में, उसमें कुछ सामान बांध रखा था, गठड़ी बांध रखी थी एक हाथ में, दूसरे हाथ में
विकार का स्ट्रैप था, विकार आपको ध्यान होगा, मिस्टर बंटिंग उसका जो है एक ब्रेसिस जिससे वो एक इस तरह का ट्राउज़र को बांधते हैं पहनते हैं, वो ब्रेसिस जो है जो कंधे के ऊपर से पट्टियाँ रहती हैं वो ब्रेसिस, उसमें वो उसने किताबें बांध रखी थी, तीन किताबें मोटी मोटी, और वो लेके जा रहा था, भागने के फिराक में था। अब हकस्टर जो है उसने, जो शॉप ऑनर है, शॉपकीपर है नज़दीक, उसकी नज़र जो है पड़ गई, उसे लगा कि ये बड़ा अजीबोगरीब आदमी हो सकता है, ये चोर हो सकता है, तो उसे शक हुआ और भागा वो उसके पीछे। उसे यकीन था कि एक चोर है और सामान इसने चुरा लिया है, और इससे पहले कि वो उसको पकड़ पाता उसको किसी ने गिरा दिया, पटक दिया और उसे चोट लगी, जो भी गिर गया। तो अब ये जो चैप्टर है जो हमने अभी जो है मिस्टर मार्वल्स विजिट टू आइपिंग जिसका टाइटल है, जिसके बारे में अभी जाना है, अब गौरतलब बात यह है कि इसमें मार्वल के साथ इनविजिबल मैन भी आया था, और वो मार्वल के साथ जो है वो उसमें घुसा पार्लर में, और अंदर कुछ उन्होंने किया, और उसका जो भी अंदर कुछ हुआ उसके एंड में मार्वल निकला किताबें लेकर और एक बंडल जो है पोटली बना रखी थी दूसरे हाथ में कुछ सामान लेकर, और भाग लिया। अब ये ध्यान में रखने वाली बात कि लगातार ये जो मार्वल की चोरों की तरह आने की घटना और कुछ उस पार्लर में से कुछ निकाल के ले जाने की, बच के भाग जाने की घटना, इसमें इनविजिबल मैन लगातार उनके साथ था। अब अंदर क्या हुआ पार्लर के अंदर, इनविजिबल मैन ने क्या किया मार्वल के साथ अंदर घुसा, ये जो अगला चैप्टर है 11th और 12th, ये एक तरह से फ्लैशबैक में चला जाता है। अब हम जानेंगे कि यहाँ से मार्वल और इनविजिबल मैन दोनों भाग गए थे। इनविजिबल मैन एक तरह से मार्वल के साथ था और उसको उसकी निगरानी भी कर रहा था, सुपरवाइज भी कर रहा था, और उसको कवर भी दे रहा था कि मैं इसको बचा के भी रखूँ औरों से, और इसी के चलते उसने हकस्टर को गिरा दिया था जब हकस्टर पीछा करने की कोशिश कर रहा था टॉमस मार्वल का, और लोग टॉमस मार्वल को ही इनविजिबल मैन समझ रहे थे, पीछा कर रहे थे, उनको गिरा दिया था बाकियों को। तो ये अब जो 11वां और 12वां चैप्टर, 11th एंड 12th चैप्टर, अब फ्लैशबैक में जाएगा, पीछे की घटनाएं एक बार हम जान पाएंगे, ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले कि अब 11th और 12th चैप्टर की इनविजिबल मैन और टॉमस मार्वल ने क्या किया कोच एंड हॉर्सेज और में आकर और उस पार्लर में घुस के क्या हो रहा था वहाँ पर। तो अब हम जानते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम लेते हैं इन द कोच एंड हॉर्सेस। मिस्टर कस जो हैं और बंटिंग, अब क्योंकि वो जाने माने लोग थे गांव के, उन्होंने हॉल से परमिशन ली और कुछ वो एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन, अपने आप को इन्वेस्टिगेटर समझ रहे थे कि भाई वो तो चला गया, सब लोग मान रहे थे इनविजिबल मैन तो भाग गया, तो अब देखते हैं पीछे क्या रह गया, क्या रहस्य छोड़ के कुछ पता लग सकता है क्या। तो ये अपने आप को इन्वेस्टिगेटर मान के, जासूस मान के, और उसमें मिस्टर हॉल की परमिशन लेके कोच एंड हॉर्सेज में पार्लर में घुसे हुए थे, देख रहे थे कि चीज़ों को क्या है वहाँ पे, खंगाल रहे थे इनविजिबल मैन के बिलोंगिंग्स, उसके पेपर्स, उसकी डायरीज। इसी दौरान जो है स्ट्रेंजर देखा, वो जो गारमेंट जो भी पट्टियाँ वट्टियाँ वो सब तो हटा दी गई थी, उसको थोड़ा क्लीन कर दिया गया था कमरे को। मिस्टर कस और बंटिंग को अब ये नहीं समझ आ रहा था कि जो भी डायरी वायरी उन्होंने, वो जो किताबें उन्होंने देखी उसमें उसमें कोई पिक्चर्स तो थी नहीं, और लैंग्वेज वो कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ था स्ट्रेंजर ने उसमें अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, तो समझ नहीं आ रहा था इनको कि क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों बात कर रहे थे कि इस क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसा अजीब आदमी था, लेकिन कुछ नतीजे पर नहीं पहुँच पाए। अचानक पार्लर का दरवाज़ा खुला और उसमें इंट्रूडर एंटर कर गया, मतलब इंट्रूडर कौन, टॉमस मार्वल। इनविजिबल मैन भी साथ था लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। तो शुरू में तो कस और बंटिंग ने अवॉइड किया, इसको इग्नोर किया कि होगा कोई अपने काम में बिजी रहे, जो भी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अचानक मिस्टर बंटिंग को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन को दबोच लिया है, और फिर दबोच कर उसका सिर जो है वो टेबल के ऊपर सटा दिया, दबोच, और जो है कहा, धमकाया इनविजिबल मैन ने कि तुम कैसे किसी के पर्सनल प्राइवेसी में दखल कर सकते हो, कैसे किसी की बिलोंगिंग्स को इस तरह से खंगाल सकते हो, ऐसे धमकाया और कहा कि तुम तो खतरे में है, तुम्हारी जान
तो मेरी बात अगर नहीं मानी तो जान खतरे में है। और ये भी बताया कि जो ये खिड़कियाँ वगैरह सब बंद हैं और ताले, जो दरवाजे की चाबी भी मेरे पास है, दरवाजे भी बंद कर दिया, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। और एक तरह से उनको डरा के, धमका के, और मिस्टर कस जो साथ में बैठे थे वो भी घबरा गए थे इस पूरी घटना से, और दोनों को डरा धमका के और कहा कि बिल्कुल शोर नहीं करना, आवाज़ नहीं करना, जो हम चाहते हैं वो तुम बस मानो हमारा कहना। और वो मजबूरन उन्होंने कहा यस ठीक है मान लेते हैं, जान खतरे में थी। तो इनविजिबल मैन ने मांगा अपना सामान, अपने कपड़े, अपनी किताबें, और वो सब यहाँ से लेकर फिर वो थॉमस मार्वल को दिया वो सामान, पोटली में बांधा कुछ कपड़े वगैरह, और साथ में जो है वो ब्रेसेस, बंटिंग के ब्रेसेस में उन्होंने किताब बांधी। तो ये बंटिंग के ब्रेसेस लेने का मतलब कपड़े भी उतरवा लिए। अब ये घटना हमें कि और उन्होंने कैसे क्या किया, ये किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, और बाहर किस तरह से लोगों को शक नहीं हुआ, बाहर कौन लोग थे जो अनजान थे इस पूरे घटनाक्रम से, या उनको शक हुआ तो वो कुछ किया या नहीं, क्यों नहीं कर पाए, ये हम अगले चैप्टर में अब जानेंगे। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12th, जो है उसका टाइटल है द इनविजिबल मैन लूजेस हिज टेम्पर। तो चैप्टर नंबर 12th अब हम जानेंगे। यहाँ पर पिछले चैप्टर में जैसे कि हमें पता चला कि क्या हो रहा था पार्लर के अंदर और बाहर, मिस्टर हॉल और मिस्टर टेडी वो कुछ जो है होटल बार में थे और वो डिस्कशन कर रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है इन्हीं घटनाओं के विषय में। अचानक उनके कान खड़े होते हैं, कुछ अजीब आवाज़ें आने लगी पार्लर के दरवाजे से, और कुछ सुनाई दे रहा था लेकिन कुछ क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा था, कोई क्लियर आवाज़ें नहीं आ रही थी। फिर आवाज़ें कम हो गई, फिर केमिकल की स्मेल, यानी कुछ तोड़फोड़ भी मचाई होगी अंदर, केमिकल की कोई ऑडोर स्मेल जो है उनके नाकों तक पहुंची, और फिर ये जो धीरे धीरे जो आवाज़ें आ रही थी वो बिल्कुल कम हो गई, रुक गई, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। जल्दी ही जो है बातचीत फिर दोबारा, ये आवाज़ पार्लर से बातचीत फिर शुरू हो गई, और दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। अब यानी निकले वो बाहर, थॉमस मार्वल और इनविजिबल मैन। अब मिस्टर हॉल और टेडी जो हैं वो जानना चाहते थे कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उनको रोक लिया मिसेज हॉल ने, शायद मिसेज हॉल को कोई डाउट था या क्या था, उनको रोक लिया कि तुम रहने दो, कि कुछ कुछ हो सकता है या कुछ जो है हार्म पहुंच सकती, नुकसान हो सकते हैं, दिक्कत। तो मिसेज हॉल के ने उनको रोक दिया। तभी हक्स्टर की आवाज़ सुनाई दी, चीखने की आवाज़, वो कह रहा था चोर चोर चोर, और भागा था उनके पीछे। अब लोग जो इन में थे ये सुनकर, सराय में जो वहाँ मौजूद थे लोग, वो बाहर आ गए ये चीख पुकार सुनकर, और वो भी भागना शुरू हुए मार्वल के पीछे। लोग सोच रहे थे कि यही इनविजिबल मैन है, और सभी लोग जो भाग रहे थे हक्स्टर की तरह सबका हाल बुरा हुआ, सबको गिरा दिया गया, पटक दिया गया, चोट पहुँचाई गई, मारा गया, और फनी सीन हो गया था, पूरा उठा पटक हो रही थी। इनविजिबल मैन एक तरह से यहाँ पर कवर देने की कोशिश कर रहा था, मार्वल का जो बच के भागना था उसको कवर कर रहा था, कोई उसको पकड़ ना पाए, और लोग सोच रहे थे कि मार्वल ही इनविजिबल मैन है। लोगों को जो है बुरी तरह से पटका, ओवर थ्रो किया उन्होंने भागते हुए लोगों को। अब कस बाहर आया और उसने बताया कि भाई हमारे कपड़े जो हैं वो चुरा लिए गए हैं, और भी सामान चुराया है, और इस जो कपड़े लेके गए हैं वो उसमें बंटिंग के भी कपड़े शामिल हैं। बंटिंग भी जो है बाहर आया, नेकेड नंगा नज़र आ रहा था, अखबार से अपने आप को छिपा रहा था, कुछ अपने आप को कोशिश करी छिपाने की। ये पूरा फनी सीन हो गया था बिल्कुल। तो इनविजिबल मैन ने अपना जो है नेकेड डांस एक तरह से शुरू कर दिया था, नंगा नाच, लोगों को मारा था उसने, चीज़ों को तोड़ा था, और तोड़ फोड़ मचा के फिर से वो गायब हो गया था मार्वल के साथ, भगा दिया था मार्वल को, बचा के भगाने में कामयाब रहा था। पैनिक का पूरे माहौल में, डर का माहौल फैल गया था, और एक दो एक घंटों के बाद जो है दोबारा थोड़ी हिम्मत हुई थी लोगों की कि वो थोड़ा बाहर आएं और देखें कि किस तरह से सुनसान गलियों में, जो डिजर्टेड और लोनली जो इलाके हो गए थे पूरे आईपिंग की जो गलियाँ थी, उन सुनसान गलियों में, सुनसान गलियों में एकाध एकाध आदमी जो है वो नज़र आ रहा था। तो पूरे माहौल में सस्पेंस और अनईज फैली हुई थी। तो ये था चैप्टर नंबर 12, जिसका टाइटल था द इनविजिबल मैन लूजेस हिज टेम्पर।
So I hope you enjoyed this video, and if that is the case, press the like button, leave your comments if any in the comment box, and also subscribe to the channel. Thank you.